हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगला वीडियो। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ बॉल ऑफ इक्वल वेट ऑफ आयरन एंड वुड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर। कह रहा है कि दो बॉल हैं, एक लकड़ी का है और एक किसका है, लोहे का, और दोनों का जो भार है या वेट है वो क्या है, समान है, और दोनों को क्या किया जा रहा है, समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो मान लो ये जो है ऊंचाई है, ठीक है ना, यहाँ से जो है क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ से, समान ऊंचाई से, ठीक है। तो ये समान ऊंचाई है, यहाँ से क्या है, एक लकड़ी है और एक क्या है, आयरन है, लोहा। तो ये लकड़ी है वुड और ये क्या है, आयरन। तो यहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है ना। सेम हाइट है, इसकी हाइट क्या है, एच है, अगर देखें, ठीक है ना, कितनी हाइट से गिराया जा रहा है, एच हाइट से। तो ये भी क्या है, एच हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है ना, कितनी हाइट से, एच से, और ये भी कितनी हाइट से गिराया जा रहा है, एच हाइट से। तो दोनों की हाइट क्या है, सेम है, दोनों का वेट भी क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि दोनों दोनों में क्या होगा, पहले कौन पहुंचेगा या दोनों साथ में पहुंचेंगे, इस तरह से कुछ क्या कर रहा है, पूछ रहा है, या कौन सा पहले गिरेगा। तो एक चीज आपको पता है कि जो यहाँ पर ये जो इसका बॉल है, ठीक है ना, इस पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक तो ऊपर की तरफ लगेगा और एक किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन लगेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी, एफ बी, और नीचे क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा, एम जी, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा एफ बी और यहाँ पर क्या लगेगा, एम जी। एम जी क्या है, भार है। कह रहा है दोनों के भार क्या है, समान है, इसका मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। अब बात करते हैं एफ बी की, एफ बी किस पर ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो एफ बी की जो वैल्यू होती है, एफ बी फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ लगती है, ये होता है रो वी जी, ठीक है ना, ये होता है। तो यहां पर देखो, अगर हम यहां पर समान भार के लिए देखें तो लकड़ी का जो आयतन होगा ना, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा, और ये इसका आयतन क्या, लकड़ी का आयतन ज्यादा होगा और इसका लोहे का क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम आयतन की बात करें तो इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, किसका, जो है वुड का या लकड़ी का। तो अगर ये इसका आयतन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका फोर्स ऑफ बायांसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर जो एफ बी है ना, एफ बी, ठीक है ना, किसके लिए, लकड़ी के लिए, वुड के लिए, ये क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एफ बी, जो फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगा किस पर, आयरन पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लकड़ी वाला है ना, इस पर ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा। अब ऊपर की तरफ अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, नीचे धीरे धीरे आएगा, तो इसका मतलब इसको नीचे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो कम लग रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा जल्दी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब पहले कौन पहुंचेगा, जो जल्दी आ रहा है, जल्दी कौन आ रहा है, आयरन वाला आ रहा है, कौन आ रहा है, आयरन वाला। तो यहां से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेंगे, गलत। दूसरा क्या कह रहा है, पहले एक गिरेगी फिर बाद में, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कौन कब गिरेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जाहिर सी बात है लकड़ी की गेंद क्या होगी, धीरे धीरे आएगी, तो वो क्या होगी, बाद में गिरेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, कह रहा है द वुडन बॉल विल फॉल लेटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इक्वल साइज पीसेस ऑफ वुड, आयरन एंड वैक्स आर ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द सेम हाइट, विच पीस विल रीच द अर्थ सरफेस फर्स्ट, ठीक है ना। क्या कह रहा है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तीन है, एक तो लकड़ी है, ठीक है ना, वुड, और दूसरा क्या है, एक तो लकड़ी है, दूसरा लोहा है, लोहा का मतलब आयरन, और तीसरा क्या है, वैक्स है, ठीक है, मोम, ठीक है ना, ये तीन है। तीनों को समान ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना, समान ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो कह रहा है कि तीनों में से सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा। अब देखो इसमें एक चीज है, ठीक है ना, अगर इसको क्या किया जाए, वैक्यूम में गिराया जाए, निर्वात में, निर्वात में गिराएंगे तो तीनों क्या होगा, अगर देखें तो समान आकार है, ठीक है ना, क्या है, समान आकार का है,
तो समान आकार का है, और अगर इसमें जो है वैक्यूम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एफ बी क्या होगा, जीरो होगा। जो फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा था ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तीनों क्या होंगे, एक साथ गिरेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ पर एयर वगैरह होगा या गैसेस होंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जिसका जो है आयतन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लेट पहुँचेगा। तो सबसे जल्दी कौन पहुँचता, फिर आयरन पहुँच जाता। लेकिन अभी यहाँ पर हवा की बात नहीं कर रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में हवा में गिर रही थी, लेकिन इस बार हवा में नहीं कह रहा है। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, हवा वाली चीज़, हम ये मान लें कि जो है वैक्यूम में गिर रहा है या निर्वात में गिर रहा है, तो वैक्यूम में अगर गिरेगा ना तो सभी क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। सभी क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होगा, एम जी से गिरेगा, ये भी क्या होगा, एम जी से गिरेगा, और ये भी क्या होगा, एम जी से गिरेगा, क्योंकि इनका जो भार है या वेट है नीचे लगेगा एम जी, तो तीनों पर एम जी लगेगा, ठीक है ना। और तीनों सेम होंगे तो इसका मतलब तीनों एक साथ पहुंचेंगे। लेकिन इसी में अगर एयर होता या कोई गैस होता तो वो क्या करता, ऊपर क्या करता, एफ बी लगाता। तो जिसका एफ बी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा और उसको सबसे लेट पहुंचेगा वो, और जिसका एफ बी सबसे कम होगा वो तेजी से आएगा नीचे और वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। बट अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसका मतलब तीनों क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे, ऑल विल रीच टूगेदर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है। वेट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का जो वेट है, ठीक है ना, किसी पिंड का जो भार है, वो कह रहा है कि इज हाइएस्ट एट पोल इज द सेम एवरी वेयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज हायर एट इक्वेटर इज मोर इन माउंटेन दैन द प्लेन्स। तो कह रहा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किसी बॉडी का जो वेट है ना वो क्या होता है कि पोल्स पर क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, या फिर ध्रुवों पर क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज सन वेयर डबल्ड, व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये सारे फोर्स, तो एफ जो हम निकालते हैं ना, एफ एक्चुअल में क्या होता है, एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम क्या किए, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, डबल। तो यहाँ पर वन अपॉन में क्या होगा, टू आर का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा वन अपॉन में फोर आर स्क्वायर, वन अपॉन में फोर आर स्क्वायर यहाँ से। तो इसका मतलब इसका वन बाई फोर हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दो गुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले क्या था, वन अपॉन में आर स्क्वायर, अभी क्या, वन बाई फोर आर स्क्वायर, इसका मतलब इसका वन बाई फोर हो गया है, इसका क्या हो गया, वन बाई फोर, अब जितना है उसका चौथा भाग, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, क्या होगा, बी ऑप्शन, फोर्थ ऑफ द व्हाट इज नाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव व्हाट इज इट्स वेट। तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम गिराते हैं तो उसके वेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो आपको पता है कि वेट हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है, और वेट होता कितना है, एम जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेट क्या होता है, समान रहता है, क्या होता है, समान रहता है, इसका मतलब वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, अनचेंज रहता है, क्या रहता है, अनचेंज। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं तो उसके वेट में कोई चेंज नहीं आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, व्हाट इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट दैट इज ऑर्बिटिंग, ठीक है ना। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ दिया जाता है, जैसे मान लो कोई अंतरिक्ष यान है जो कि क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ से क्या है कि एक सेब जो है निकाल करके छोड़ दिया गया, तो सेब के साथ क्या होगा, तो अगर ये अंतरिक्ष यान जिस पाथ पर चल रहा है ना, जिस तरह से चक्कर लगा रहा है, अगर यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेंक दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट भी इसी के साथ क्या करेगा, चक्कर लगाने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंतरिक यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा, गतिमान हो जाएगा, विल मूव अलॉन्ग द विद द स्पेस क्राफ्ट एट द सेम स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, एस्ट्रोनॉट्स कांट स्टैंड अपराइट इन वैक्यूम, व्हाई डज इट हैपन। कह रहा है
अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? देखो, सीधे खड़े होने के लिए आपका जो है वेट वगैरह क्या होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड लगना चाहिए, और पूरा फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि वेट लगने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर वेट होता क्या है, एम जी होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जी तो कुछ होता नहीं है, और जी जीरो होगा तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेट अगर जीरो हुआ कहीं पर तो आप वहाँ पर जो है स्टेबल नहीं खड़े हो पाएंगे। तो चूंकि वहाँ पर जी नहीं है या गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, तो इसलिए जो है आप जो है यहाँ पर ठीक से खड़े नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, गुरुत्व नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। हु हैज प्रोनाउंस्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ है जो है ग्रेविटेशनल के लिए, ठीक है ना। तो किसका नाम आ जाएगा इसमें, न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने। और न्यूटन ने जो है इसके लिए कुछ जो है इक्वेशन वगैरह भी दिए हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर की बात करें तो विंड स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है, या वायु की चाल मेजर करने के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है अमीटर, अमीटर अगर देखें तो करंट को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, करंट या विद्युत धारा को। टेकोमीटर अगर देखें तो टेकोमीटर क्या करता है, आरपीएम को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, आरपीएम। कोई जैसे साफ्ट वगैरह अगर रोटेट कर रहा है ना, उसमें लगा दो तो क्या करेगा, उसके आरपीएम को मेजर कर लेगा, तो ये गलत है। पायरोमीटर की बात करें तो हाई टेम्परेचर मेजर, जैसे सन वगैरह के टेम्परेचर को मेजर करना है तो क्या करेंगे, पायरोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन अभी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सही मैच नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है क्या होता है, ऑडियोमीटर यूज होता है। क्या होता है, ऑडियो, ऑडियो मतलब आपको पता है आवाज, और ध्वनि मतलब क्या है, आवाज। तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ना इसको मेजर करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन द ओशन, ठीक है ना। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति के जानने में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, आपको पता है कि जैसे ऑडियोमीटर वगैरह क्या है, ध्वनि के लिए होता है, लेकिन महासागर में नहीं, ठीक है ना। अभी ये किसकी बात कर रहा है, महासागर में, ठीक है ना, या ओशियन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसका पता लगाना है जो डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, जैसे कोई पनडुब्बी वगैरह या इस तरह से, ठीक है ना। तो उसका पता हम किससे लगाते हैं, सोनार के थ्रू लगाते हैं, किसके, सोनार के थ्रू लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कई बार दुश्मन की पनडुब्बी वगैरह पानी में क्या होती है, डूबी रहती है, तो उसका हमको पता लगाना होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सोनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, ठीक है ना। तो कह रहा है एटमॉस्फियर में जो ओजोन परत की थिकनेस है या मोटाई है, उसको किस तरह से नापते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए क्या होता है, डॉप्सन का यूज होता है, किसका, डॉप्सन। तो ऑप्शन बी से, इसमें एक ऑप्शन पॉइज भी दिया है, लेकिन पॉइज जो है ये क्या है, वेस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, किसको, वेस्कोसिटी को, ठीक है ना। तो ये सीजीएस यूनिट में जो है वेस्कोसिटी का क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, ठीक है ना, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक की बात करें तो क्यूसेक जो है फ्लो ऑफ वाटर को मानता है, ठीक है ना, या अमाउंट ऑफ वाटर की बताता है, ठीक है ना, किसको बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर या जल की मात्रा को बताता है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जल की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर देखो, माइक्रोन का अगर देखें तो 10^-6 होता है, 10^-6 मीटर। एंगस्ट्रॉन की बात करें तो 10^-10 मीटर होता है। नैनो का देखें तो 10^-9 मीटर, ठीक है। और इसी तरह से फर्मी मीटर देखें तो 10^-15 मीटर। तो सबसे छोटी कौन सी है, फर्मी है, कौन सी है, फर्मी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल प्रेशर।
परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? अब यहाँ पर जो बार है ये क्या है, दबाव दबाव की इकाई है या दाब की इकाई है, ठीक है ना? कौन सा बार, ठीक है ना? जूल अगर देखेंगे तो कार्य या एनर्जी का है, ओम अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस का है, तो इसका मतलब इकोलॉजिकल प्रेशर का क्या है, बार है। इसको कई बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में भी मेजर करते हैं ना, बट यहाँ पे बार दिया है तो बार ले रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पास्कल की यूनिट क्या है, पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज़ की इकाई है? तो पास्कल जो है अभी आपको बताया किसकी है, प्रेशर मेजरमेंट की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दाब, ठीक है ना? वन पास्कल इक्वल टू क्या होता है, वन पास्कल इक्वल टू होता है 10 to the power 5 यहाँ पर, ठीक है ना? या वन पास्कल इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, ये होता है वन पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो इस तरह से ये होता है, पास्कल में भी किलो पास्कल, मेगा पास्कल, और इस तरह से आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाउ मेनी वाट्स आर इन 1 हॉर्स पावर, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो अपने को पता है 746 वाट होते हैं, कितने होते हैं, 746, 746 वाट एक हार्स पावर में ना। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू विच यूनिट ऑफ द मेजर इन डिस्टेंस, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक बराबर क्या होता है, एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं इसको देखना है। तो पार्सेक अगर देखें तो क्या है, एक्चुअल में दूरी का मात्रक है, दूरी है, दूरी मेजर किया जाता है इसमें, ठीक है ना? जैसे कोई तारा है, सन है, इस तरह से अगर इनकी दूरी मापनी हो ना अर्थ सर्फेस से, तो पार्सेक में या लाइट ईयर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है ना? इसी तरह से लाइट ईयर भी क्या है, दूरी है। लाइट ईयर मतलब जो है किसी प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, या 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा, 3.25 होगा, वैसे 3.26 होता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया 3.25 दिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना पार्सेक और लाइट ईयर ये सारे क्या है, दूरी के मात्रक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर, पावर का अगर देखें तो क्या होता है, वाट होता है, किसका होता है, वाट, ठीक है ना? हर्ट्ज अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी का होगा, वोल्ट अगर देखें तो किसका होगा, वोल्टेज का, न्यूटन अगर देखें तो किसका होगा, फोर्स का होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा सही है, पावर की यूनिट क्या होगी, वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या है या कार्य की, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। न्यूट्रॉन कोई मात्रक नहीं है, न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन के साथ। वाट आपको पता है किसका होता है, पावर का होता है, किसका होता है, पावर का। डाइन आपका फोर्स का होता है टीजीएस सिस्टम में, ठीक है? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आने वाले रेलवे वगैरह के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।